जिस तरह से इसराइल ने लेबनान के घर में घुसकर उसे तबाह कर दिया, हिजबुल्ला लड़ाकों को खोजकर उनको टारगेट किया, जिस तरह से पेजर और फिर वॉकी टॉकी के जरिए उनके घर तक पहुंचकर उनको निशाना बनाया, इसराइल के सीक्रेट प्लान ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इसराइल ने दुनिया को यह दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी के दौर में कोई भी दुश्मन बच नहीं सकता, वो कहीं भी छुपा हो उसे मौत के घाट उतारा जा सकता है। इसराइल के इस प्लान से जहां दुनिया खौफजदा है, तो वहीं दुश्मन से बदला लेने का नया तरीका भी पता चला है। अब भारत भी इसराइल की इस नई युद्ध नीति को अपनाएगा। जी हां, भारतीय सेना भी साइबर वॉर की तकनीक पर जोर देगी, क्योंकि बदलते दौर में युद्ध अब खुले मैदान में नहीं होंगे। आप ड्रोन वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर के जरिए किसी भी जंग को आसानी से जीत सकते हैं। इसी को लोग हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं और भारत सेना भी हाइब्रिड वॉरफेयर को लेकर एक्टिव हो चुकी है। इंडियन सेना अब इसके लिए बकायदा सेना के जवानों को ट्रेनिंग देगी, एक नया कोर्स भी जारी करेगी जिसकी ट्रेनिंग हर जवान को दी जाएगी। CDS अनिल चौहान ने खुद इसकी जानकारी दी, कहा कि भविष्य के युद्धों के लिए हमारे जवानों को ऐसे ट्रेनिंग की जरूरत होगी, क्योंकि आने वाले समय में जब विश्व में युद्ध का स्वरूप बदलेगा तब नई टेक्नोलॉजी की जरूरत बहुत अहम हो जाएगी। इंडियन सेना को और अपग्रेड करने के लिए जरूरी है, इसलिए 23 सितंबर से ही सिलेबस शुरू किया जाएगा, जिसका फायदा सेना के अपग्रेडेशन और जवानों को मिलेगा। आने वाले समय में इस कोर्स को और अपडेट किया जाएगा, जिसमें सभी जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें मेजर रैंक से लेकर सिपाही और दूसरे सेना के रैंक के अफसर भी शामिल रहेंगे। यानी भारतीय सेना खुद को तेजी से और मॉडर्न बनाने में जुट गई है, जिसका फायदा आने वाले वक्त में जरूर मिलेगा। भारत की मजबूरी है कि उसे भी वक्त के साथ अपनी सेना को अपग्रेड करते रहना होगा, क्योंकि भारत खुद हमेशा युद्ध की स्थिति में रहता है। पड़ोसी पाकिस्तान और चालबाज चीन से हमेशा भारत को चौकन्ना रहना पड़ता है। भारत की हजारों मीटर की सीमाएं पाकिस्तान और चीन से सटी हैं, दोनों देशों के साथ युद्ध भी हो चुका है। ऐसे में इंडियन फोर्सेस को ज्यादा मॉडर्न रखना भी होगा, क्योंकि चीन जैसा पड़ोसी कभी भी कोई नापाक साजिश रच सकता है, इसीलिए हमारी सेना हमेशा मुस्तैद भी रहती है। अब इसराइल ने अपनी युद्ध नीति से पूरी दुनिया को एक नया तरीका सिखा दिया। ऐसे में तेजी से बदलती तकनीक की होड़ में अब जरूरत है खुद को ज्यादा से ज्यादा मजबूत और मॉडर्न बनाने की। अभी हमारे देश भारत की जो सामरिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं। चीन हमेशा नॉर्थ ईस्ट पर नजर गड़ाए रहता है और पाकिस्तान की नजर POK को लेकर संदेह के दायरे में रहती है। ऐसे में भारत की सेना की मजबूती बहुत जरूरी है। भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, लेकिन तकनीक और आधुनिक हथियारों के मामले में कई देश हमसे बेहतर हैं। अगर भारतीय सेना आधुनिक होगी तो इसका फायदा जवानों के साथ पूरे देश को होगा।